बीजेपी खाली होने वाली, बीजेपी में अब कोई नहीं बचेगा, एक एक कर बीजेपी से सबका होगा मोहभंग। 2022 में बीजेपी के पतन की शुरुआत हो चुकी है। ये तय हो चुका है कि इस बार बीजेपी जा रही है, योगी जा रहे हैं, मोदी कोई कमाल नहीं दिखा पाएंगे। वजह भी खुद भारतीय जनता पार्टी ही है। देखिए कैसे एक महीने के अंदर भाजपा के 11 विधायकों समेत 17 बड़े नेताओं ने पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। अखिलेश पर जुबानी तीर छोड़ने वाले भी अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने पहले बसपा छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो क्या अब ये माने कि यूपी चुनाव से पहले जो दल बदल का दौर शुरू हुआ है उसमें बीजेपी को अपनी असल जगह पता चल जाएगी? क्या अब धीरे धीरे भाजपा और सपा के बीच में जो मुकाबला था वो अब सपा की जीत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? सोचिए, मात्र एक महीने का वक्त, 11 दिसंबर से आज 11 जनवरी, और भारतीय जनता पार्टी के 17 बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया, और सिर्फ किनारा ही नहीं किया, सीधा जाकर अखिलेश से हाथ मिला लिया। इनमें योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के साथ ही बीजेपी के 7 और विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिनमें रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति, ममतेश शाक्य, विनय शाक्य, धर्मेंद्र शाक्य और नीरज मौर्य शामिल है। रोशन लाल वर्मा ही स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे थे और इसी के साथ ही बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 11 हो गई। पहले जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा उनमें बदायूं जिले के बिलसी से बीजेपी विधायक राधा कृष्ण शर्मा हैं। इन्होंने हाल ही में बीजेपी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। अखिलेश से मुलाकात के बाद उन्होंने ट्विटर पर फोटो भी साझा की। सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी अब सपा में शामिल हो चुके हैं। पेशे से व्यापारी राकेश राठौर ने अपना पहला चुनाव साल 2007 में बीएसपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। 2017 में वो बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बहराइच के नानपारा से विधायक माधुरी वर्मा ने भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। अखिलेश ने खुद माधुरी वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि माधुरी वर्मा का टिकट कटने वाला था, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इन तीन नामों के अलावा बलिया की चिलकलहर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने सपा ज्वाइन की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार वर्मा ने भी सपा ज्वाइन की। बीजेपी के टिकट पर प्रयागराज से चुनाव लड़ चुके शशांक त्रिपाठी ने भी सपा का दामन थामा। बीजेपी के पूर्व एमएलसी कांति सिंह, प्रतापगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्रा ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। ऐसे अगर देखें तो अभी तो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ही बीजेपी छोड़ने वाला सबसे नया चेहरा है। योगी सरकार में सेवा योजना विभाग संभाल रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। वहीं अखिलेश ने बीजेपी खत्म होने का नारा दे दिया है। अखिलेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख दिया है, इस बार सभी शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेला होगा और भाजपा को बांटने और अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इंकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होबे, भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी, भाजपा खत्म। वही अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में स्वागत किस अंदाज में किया वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो ट्वीट की, लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अब आपको ये भी बताते चलें कि जिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी का दामन थामने से अखिलेश इतने गदगद हैं, दरअसल उनके आने से समाजवादी पार्टी को कितनी मदद मिलने वाली है।
तो आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से विधायक हैं। ये अलग बात है कि उनका प्रभाव सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि रायबरेली के ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक उनका प्रभाव माना जाता है। यादवों और कुर्मियों के बाद मौर्य ओबीसी समाज की तीसरी बड़ी जाति कही जाती है, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं। इनमें काछी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य जैसे उपनाम होते हैं। मौर्य आबादी की बात करें तो यूपी में 6% के आसपास मौर्य समुदाय की आबादी मानी जाती है, जिसका मतलब ये है कि मौर्य समाज का कुछ नहीं तो यूपी की कम से कम 100 सीटों पर असर देखने को मिल सकता है। और अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अन्य और भी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर पिछड़े समाज से ही आते हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो ओबीसी तबका यूपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, असल में वो तो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ आकर खड़ा हो गया है। अब आप अंदाजा लगाइए, करीब 52% पिछड़ा वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का ही है, जो जिस भी पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है उस पार्टी की जीत निश्चित हो जाती है। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि फिर जीत कौन सी पार्टी की होगी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी जिस तेजी से पिछले काफी लंबे समय से पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए मेहनत कर रही थी, अंत में अखिलेश की वो मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अंत में एक मुश्त पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इससे एक और फायदा जो समाजवादी पार्टी को होगा वो ये कि जो समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों और काफी हद तक मुस्लिमों की पार्टी कही जाती थी, अब वो पार्टी पिछड़ों की भी कही जाएगी। आपको जानकारी नहीं हो तो बता दें कि जिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, असल में यूपी की राजनीति में उनकी पहचान मौसम वैज्ञानिक के तौर पर है। मतलब ये कि हवा जिस तरफ की है उस तरफ अपना पाला बदलने वालों में होती है स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती। और अगर अब वो सपा ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, 22 में बाइसिकल। यही नारा देते हैं ना अखिलेश यादव। 2017 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी के साथ थे तो उनका ऐसा प्रभाव था कि मीडिया में बोलने के लिए मायावती ने सिर्फ उन्हें ही अनुमति दी हुई थी। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन जब उन पर टिकट बेचने खरीदने को लेकर कुछ आरोप लगे तो वो बीजेपी में आ गए। इससे पहले वो जनता दल के साथ भी अपनी पारी खेल चुके हैं और अब नई पारी शुरू करने जा रहे हैं अखिलेश की समाजवादी पार्टी के साथ। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की देखा देखी बीजेपी से और कितने विधायक किनारा करते हैं, और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से अखिलेश के लिए बैटिंग करते नजर आते हैं, वो भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपको स्वामी प्रसाद मौर्य से कितनी उम्मीदें हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के चुनाव में कैसे समाजवादी पार्टी की राजनीति चमकाने में लाभकारी साबित होंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि क्या सच में बीजेपी यूपी में साफ होने वाली है। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।